आज हम बनाएंगे सूजी केक। सूजी केक बनाने के लिए यहाँ पर लिए मैंने 1 कप दही। इसको दही को फुला देंगे। दही हमें मीठा और फ्रेश ही लेना है, खट्टा दही नहीं लेना। अब दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको चम्मच से या विस्कर से अच्छे से चला लेंगे और इसको जिससे ये सॉफ्ट हो जाए ऐसे अच्छे से। देखिए सॉफ्ट सी हो गई है, चिकनी सी हो गई है दही। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी को हमने ये मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसको पीस लिया है बारीक। इसको पीसने, अगर आप पीस नहीं सके तो आप इसको इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसने से ये ज़्यादा अच्छे तरह से इसमें मिक्स हो जाती है। हमने चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने 200 ग्राम सूजी ली है। अब इसको इसमें अच्छे से डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप सूजी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बारीक सूजी ही मिक्स करनी होती है केक के अंदर। तो मोटी सूजी से हमारा केक जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसलिए हमें सूजी को ग्राइंड करना है। हमने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को। अब इसको हम 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। देखिए 1 घंटा हो गया। अब हम अपनी सूजी को देख लेते हैं। देखिए सूजी फूट चुकी है, तो अब इसको हम अच्छे से एक बार और चला देंगे। इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं देसी घी की जगह, या फिर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। देसी घी और बटर डालने से केक सॉफ्ट बनता है। अब हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, तो जो बैटर है ये इस तरह से ऐसा होना चाहिए, ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ज्यादा गाढ़ा, मतलब मीडियम ही होना चाहिए ऐसा। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए अच्छे से। और अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। 2/2 चम्मच में नमक डाल देंगे, थोड़ा सा केक का टेस्ट अच्छा आता है। ये हमारा बैटर तैयार हो गया इसका। अब हम किसी भी कोने में या डब्बे में घी लगा लेते हैं। ये देखिए इसके कटोरे में हम अच्छे से चारों तरफ घी लगा देंगे, जिससे ये हमारा केक चिपके ना और जले ना। अब इसके अंदर हम अपना बटर पेपर लगा देंगे, घी का आसानी से निकल जाता है, इसलिए हमने इसको चारों तरफ से ऐसे चिपका देंगे। इस पर भी ऐसे लगा देंगे, इसको चिपका देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए। अब इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, इसे अच्छे से चला देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। आप इलायची पाउडर की जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, अगर वनीला एसेंस ना हो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे केक में अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छी खुशबू आएगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी। इसके अंदर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। इसकी जगह आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर डालने से पहले डब्बे में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डाल देंगे, जिससे जब हम केक को बाहर निकालें तो ये टूटी फ्रूटी केक के ऊपर मिलेगी और जो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। अब बैटर को इसमें डाल देंगे। और बैटर को अच्छे से 3-4 बार टैप कर लेंगे, जिससे बैटर एक सार हो जाए। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर भी डाल देंगे। ये देखिए मैंने गैस पर 1 भिगोने में 4-5 मुट्ठी नमक डालकर प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब इसे रखे हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुकी है। इसके अंदर हम एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम केक के बैटर को रख देंगे। अब भिगोने को प्लेट से 40 से 50 मिनट तक के लिए ढक देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अगर आपके पास कांच का ऐसा कवर है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आप केक की प्रोग्रेस को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए हमारे केक को रखे हुए
लगभग 50 मिनट हो चुकी है। चिप कवर को हटाकर देख लेते हैं। अब नाइफ डालकर इसको चेक कर लेते हैं कि केक अच्छे से बेक हो गया है या नहीं। अगर नाइफ पर केक चिपक कर आता है तो हमारा केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है, तो आप इसे 10 मिनट के लिए और बेक कर ले। देखिए हमारा नाइफ अच्छे से साफ निकल आया है, इस पर केक नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब है कि केक बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम किसी कपड़े या पकड़ की सहायता से इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। नाइफ से साइड के इसके किनारों को भी अलग कर लेंगे। अब एक प्लेट पर केक के डब्बे को डिमोल्ड कर देंगे। अब हल्के से हाथों से थपथपाकर इसे धीरे से निकाल लेंगे और बटर पेपर को भी आराम से उतार लेंगे। ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से बेक होकर के रेडी हो गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा केक कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है। अब आप इस सूजी के केक को घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। इसे आप बच्चों के बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी पर बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।